17 ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੇਂਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਛੁੱਟ ਪਿਆ आफ्ताब इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो मैन ऑफ क्राइसिस हैं। उन पर जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए वो उससे निकलने और खुद को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। जब भी उन्हें कॉमेडियंस छोड़ कर गए तो वो उनकी जगह नए चेहरों को ले आए और उन्हें स्टार बना दिया। एक बार फिर जब उनकी टीम के 3 अरकान उन्हें छोड़कर चले गए तो उन्होंने मकबूल कॉमेडियन गोशी 2 को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। गोशी 2 का आफ्ताब इकबाल ने किस तरह अपने शो में वेलकम किया, उन्होंने कितने मुआवजे के शो का हिस्सा बनने की हामी भरी, मजीद कौन कौन से कॉमेडियंस उनका शो ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। हमें ज्वाइन किया है एक बड़े टैलेंटेड यंग कॉमेडियन ने, गोशी 2 ने। अजहर रंगीला, असद कैफी और अकाशा गुल के छोड़ जाने के बाद खबरहार की टीम में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था जिसे जल्द अज जल्द पूर्ण करना जरूरी था, क्योंकि आफ्ताब इकबाल का शो समा न्यूज पर दिखाया जाता है तो अपने शो की व्यूवरशिप बरकरार रखने और उसके मायार को पहले की तरह बनाने की गर्ज से आफ्ताब इकबाल ने अपनी टीम में कॉमेडियंस की जगह पूर्ण करने के लिए गोशी 2 का इंतखाब किया। गुज़श्ता शो में उन्होंने नए शामिल होने वाले गोशी 2 का तारुफ कराया और उनके बारे में बताया कि वो किस कदर मंझे हुए और बासलाहियत कॉमेडियन हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गोशी 2 ने मारूफ कॉमेडियन और अदाकार गोशी खान की शागिर्दी इख्तियार की, फिर उनके साथ मोहब्बत और अदब में उन्होंने अपना नाम गोशी 2 रख लिया, फिर इसी नाम से उन्होंने फनी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और फिर कामयाब होते चले गए। आफ्ताब इकबाल मर्दम शनास इंसान है, वो जिस फनकार को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं उसकी सलाहियतों को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और उसकी वर्सेटिलिटी में इजाफा करके उसे सुपरस्टार बना देते हैं। इसकी वाजे मिसाल आगा माजे, सलीम अलबेला, हनी अलबेला और नासिर चिनोटी समेत वो तमाम तर कॉमेडियंस हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया और आज उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। कॉमेडियंस उनके बारे में यही बात करते हैं कि वो किंग मेकर हैं, वो किसी भी फनकार को स्टार बना देते हैं और अब उन्होंने गोशी 2 को अपनी टीम का हिस्सा बनाया जो पहले से ही कॉमेडी की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, लेकिन उनके अंदर का छुपा हुआ हकीकी फन आफ्ताब इकबाल सामने लाएंगे और फिर उन्हें भी वो पहचान मिलेगी जो उनके साथी फनकारों को टीवी पर काम करके मिल रही है। गोशी 2 के प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो वो एक तवील अरसे से स्टेज पर काम कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से खूब जाने जाते हैं। गोशी 2 ने बहुत से कॉमेडी मुकाबलों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वो भारत में होने वाले लॉफ्टर प्रोग्राम का भी हिस्सा बने जिसमे शोएब अख्तर और हरभजन सिंह जज के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इस प्रोग्राम में गोशी 2 ने जफरी खान के साथ मिलकर एक आइटम पेश की जिसने जजेस को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। गोशी 2 ने इंडिया में अपनी परफॉर्मेंस से खूब पजीराई हासिल की थी। गोशी 2 बाकायदगी से स्टेज ड्रामों में काम कर रहे हैं, वो उन फनकारों में शामिल हैं जो फैमिली कॉमेडी के माहिर हैं और वो अपनी बातों और हरकतों से देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का हुनर भी जानते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्हें किसी भी चैनल ने अपने शो का हिस्सा नहीं बनाया। इसके बरक्स वो कॉमेडियन जो दूसरे और तीसरे दर्जे के फनकार हैं वो टीवी प्रोग्राम्स की जीनत बने हुए हैं, लेकिन गोशी 2 चैनल से गायब रहे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर काम किया और उसी से शोहरत और दौलत कमाई। अजहर रंगीला और असद कैफी के चले जाने के बाद ये ही तवक्को की जा रही थी कि आफ्ताब इकबाल उनकी जगह 2 कॉमेडियंस लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल गोशी 2 को अपनी टीम में शामिल किया, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो एक गोशी 2 से 2 कॉमेडियंस की कमी को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। उनके पास दीगर कॉमेडियंस की बहुत अच्छी टीम है जिनके साथ वो ऐसे सेगमेंट्स बनाकर आवाम के सामने पेश कर सकते हैं जो उनके शो को शोहरत की बुलंदियों पर पहले की तरह पहुंचा सकती है। आफ्ताब इकबाल ने उस वक्त भी काम किया जब उनके पास स्टेज के हैवी वेट्स पर मुश्तमिल टीम थी और फिर उन पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी टीम में कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम में शामिल कॉमेडियंस को बड़ा नाम दिया। आफ्ताब इकबाल की जानिब से गोशी 2 को शामिल किए जाने के बाद इस बात की उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि उनके शो की कम होती रेटिंग और व्यूवरशिप किसी हद तक मुस्तहकम हो जाएगी और ये शो दोबारा से अपने नाजरीन के लिए मजाक का मरकज बनेगा। तहम अब देखना ये है कि गोशी 2 के बाद मजीद कौन कौन से कॉमेडियंस इस शो का हिस्सा बनेंगे और कौन लोग उन्हें मजीद छोड़ कर चले जाएंगे। 11 कदमा तो स्टार्ट लेंदा सा, मैं एक दिन बहुत ही स्पीड से चला गया, गेंद उठे रह गई थे, मैं बैट्समैन को चला गया, उन्हें 500 रुपया देता भी दुध छुट गया था।